मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 79 ऑफ क्लास 9, वर्कशीट नंबर 79 ऑफ क्लास 9th. दिस इज रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 42 एंड दिस रिवीजन इज बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. हेयर वी हैव गिवन टोटल 10 questions. This is very very important questions. Here we discuss about first four question. Here select the correct answer in question number 1 to 4. That means this 1 to 4 question is multiple type question, multiple choice question. चार ऑप्शन इसमें होंगे तो एक सही होगा. अब इसमें कह रहा है, पहला, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ सरफेस एरिया विल बी. अब सिलेंडर का सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया, यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की गई है. तो क्या होता है सरफेस एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. अब कह रहा है जो कि ये आर को 2 पाई, अब नया जो सरफेस बन रहा है तो कह रहा है रेडियस विल बी डबल्ड, तो रेडियस 2R हो जाएगा, 2R. और हाइट हाफ h बाई 2, तो ये देखिए काट करके तो ये क्या बच रहा है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच. दैट मीन्स सेम आया, पहला सेम. दूसरा कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विल बी. तो इसमें यही सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच, तो 2 × 22/7. और आर का मतलब क्या दिया हुआ, 3.5, तो इसको हम 35/10 रख सकते हैं, डेसिमल को चेंज कर दिए. और लेंथ दिया हुआ 25, यानी हाइट 25 है यहाँ पे, तो इसको इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 × 5 = 35, 5, और ये 5 × 2 = 10, 2 से 2 गया, तो 22 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन, है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर इन 2:3, 2:3 रेडियाई यानी रेडियस और हाइट 5:3. तो मान लेते हैं जो कि इसका रेडियस एक का, पहले वाले का जो रेडियस है वो 2R और ये 3R है, दूसरे वाले का ये 2R और ये 3R, इसका 5H पहले वाले का और इसका 3H. तो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच पहले वाले नए वाले का और पहले वाले का और अपॉन में दूसरे वाले का कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई × पाई, आर के बदले हम पहले वाले का रखेंगे 2R और एच के बदले 5H, और नीचे में दूसरे वाले का 2 × पाई × 2R के बदले, आर के बदले 3R है, 3R और H के बदले 3H है, H से H गया, R से R गया, पाई गया, 2 से 2 गया, तो इधर से बचा
ऊपर में बचा 10 अपॉन में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 10:9। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ आर वन एंड आर टू टू बी द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट एच, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी, टोटल एरिया के लिए आप ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड इज 88 सेंटीमीटर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज इतना, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो पहले ये कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 88, कर्व सरफेस एरिया 88 और हाइट दिया हुआ 14। तो यहाँ पे ये कह रहा है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। तो ये दिया हुआ 88। अब हाइट इसमें कह रहा है 14 है, तो इसको एक बार 2 × 22/7 इंटू आर नहीं पता है, एच है हमारे पास 14 = 88, तो 7 2 जा और इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88R बराबर में 88। तो R बराबर में क्या हो जाएगा, 88/88 यानी 1। अब आपका कह रहा है डायमीटर निकालने के लिए, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर बराबर में 2 × रेडियस, रेडियस तो 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 33 and 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ दिया हुआ 33 सेंटीमीटर और विड्थ दिया हुआ यानी चौड़ाई दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। अब इसको कह रहा है जो रोल अलोंग इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग आप इसको मोड़े, टर्न करें। यदि कहता लेंथ के अकॉर्डिंग तो इसको और इसको मिला करके रोल करते, और अभी कह रहा है जो कि ब्रेथ के अकॉर्डिंग तो इसको और इसको मिला करके रोल करेंगे तो हाइट यही हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब ये जो है 33 क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये क्या है इसका है परिधि मतलब पेरीमीटर ऑफ ये सर्कल होगा यानी बेस, बेस ऑफ पेरीमीटर मतलब सिलेंडर। तो क्या है ये इसका इसका जो हम निकालते हैं तो क्या होता है 2πr, 2πr ये सर्कल का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो 2πr होता है, ये दिया हुआ यही 33। तो हमें कह रहा है जो कि r की वैल्यू निकालें, तो जब हम 2πr बराबर 33 आ गया तो r बराबर क्या होगा 33, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 2 × 22/7, तो ये आ जाएगा 7 ऊपर में चला जाएगा और 2 × 22, इसको यदि हम करते हैं तो 11 3 जा और ये 2 जा हो जाता है, तो 21/4 ये इसका रेडियस होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। एट्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या निकालना है, सर्कल ये जो सिलेंडर है सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा और
ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का एरिया निकालना होगा। आपको यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार और डिस्कस करते हैं। टोटल सरफेस टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर ये होगा सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर और प्लस टू इंटू एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर बेस है तो ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा 2 पाई आर और एच होता है, और ये 2 और नीचे क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का ऑफ सर्कल, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों आ गया। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये इधर से बचा एच, इधर से बचा आर। यही फॉर्मूला है, 2 पाई आर और आर प्लस एच दिया होता है, तो ये यहाँ पे एच प्लस आर आ गया। तो इसमें हम यदि सजाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एच दिया हुआ है 14, एच बराबर में 14 और आर बराबर में 7, एच इजकल टू 14 और आर इजकल टू 7 दिया हुआ है। तो हम इस पे सजाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। 2 × 22/7 एच आर के बदले है हमारे पास 7, और ये हो गया 14 + 7, ये 7 से 7 चला गया, तो 22 × 22 और इधर करेंगे हो जाएगा 14 × 7 = 21। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 9 × 2 = 4 और एरिया का हम निकालते तो cm². अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया 9th क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग द पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर हैविंग सेम बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कार्डबोर्ड टू द कंपिटिटर्स इफ देयर वेयर 35 कंपिटिटर्स हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बाउट फॉर द कंपिटिशन। दैट मीन्स स्कूल एक कंपिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है जो कि पेन होल्डर आपको सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है, सिलेंड्रिकल शेप में पेन होल्डर बनाना है, तो और सभी बच्चों को 35 बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना, सबको एक एक बनाना है, तो इसके लिए कितनी कार्डबोर्ड, 35 बच्चों के लिए कितनी कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी? तो ये जो हम बना रहे हैं पेन होल्डर जो बना रहे हैं, तो ये नीचे तो होगा, नीचे तो गत्ता लगा होगा, लेकिन ऊपर में ये खाली होगा, ये खाली होगा, तो इसको जो करने के लिए चाहिए तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो होगा उतना ही उसको एक पेन होल्डर बनाने में जो लगेगा, गत्ता लगेगा, कार्डबोर्ड लगेगा, वो उसी के बराबर लगेगा जितना इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी ऊपर वाला छोड़ करके बाकी जो 5 पार्ट मतलब कर्व सरफेस एरिया और बेस का जो एरिया है उतना ही उसको कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी एक के लिए। तो हम लिख सकते हैं एक के लिए या तो इसका जो इसका जो हमें कार्डबोर्ड की आवश्यकता पड़ रही है, तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन
या वन पेन होल्डर। तो क्या होगा इसका? TSA होगा, CSA, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इतनी की आवश्यकता होगी। तो इसका क्या होगा? 2 पाई आर h होता है और ये होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 3 है और हाइट 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 को हम 10/105 पाई 2 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पाई और आर कॉमन आ गया, तो ले लेते हैं पाई और आर कॉमन। तो क्या बचा? इधर से बचा पाई और आर कॉमन ले लिए तो 2h प्लस, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिए आर, तो ये हमारा 1 का आ गया। और तो हम इसको यदि हम करते हैं तो हमारे पास एरिया है, रेडियस है 3, तो ये पाई इंटू रेडियस 3 और 2h, 2 इंटू इसको हम 105 बाय लिख सकते हैं, और प्लस आर कितना है? 3 है। अब ये काटना चाहें तो 5 5 और ये हो जाएगा 21। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ये 22/7 3, और ये 21 और 3 24, 24 ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही ये 1 के लिए रिक्वायर्ड हुआ है, हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम ऐसे ही यदि कह रहा है तो अब ऐसे ऐसे 35 स्टूडेंट है, तो 35 के लिए कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35, इसी को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, हमने 1 का निकाला ही है तो इसको 35 कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 का, तो ये कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 का यदि हम निकालेंगे तो 35 मल्टीप्लाई होगा, तो इसको यदि 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22/7 इंटू 3 इंटू 24 और इंटू 35 ये करते हैं, तो 5। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 7920 और मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पहले यूनिट है वो एक बार देख लेते हैं, वो यही आंसर होगा, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे हम, जो यूनिट है उसी हिसाब से हम यूज करेंगे। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये इसकी हाइट के बराबर लेंगे, और इनर डायमीटर दिया हुआ, दैट मीन्स इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से पाइप है कह रहा है जो कि ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये क्रॉस सेक्शन इनर का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आउटर का दिया हुआ है 4.4। तो इनर कट सरफेस एरिया और आउटर कट सरफेस एरिया सबसे पहले निकालते हैं। इनर कट सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ भी 2 पाई आर h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और r के बदले जो ये डायमीटर 4 लिया गया है, ये इनर डायमीटर 4 है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 इंटू h जो है, h आपका 77 लिया गया है हाइट। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपका 924 का आंसर आएगा 968, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का भी निकालना है, तो यहाँ पे आर जो होगा 4.4 के बदले 2.2 हो जाएगा, तो आउटर का निकालेंगे टू, अगला दिया हुआ है 2 पाई आर एच। जो अगला सवाल है इसमें देखिए, ये कह रहा है जो कि आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो आउटर के लिए 2 पाई आर एच यहाँ पे हो जाएगा, और ये 2 × 22/7, और इंटू आर के बदले जो इनर वो दिया, आउटर दिया हुआ है, रेडियस आउटर दिया हुआ है 4.4, तो इसको हाफ करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, और इंटू एच दिया हुआ है आपके पास वही 77। इसको सॉल्व करते हैं तो जो आता है आंसर वो सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है 1064.88, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आउटर का हो गया, ये इनर का हो गया। अब बात करते हैं हम जो ये दिया हुआ है, कह रहा है जो टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये जो सेल है सेल का एरिया निकालना होगा, ये जो सेल है, ये जो सेल इनर माइनस आउटर माइनस इनर का एरिया निकाल लीजिए, यानी ये जो सेल है इसका एरिया और इसका एरिया, तो टोटल एरिया ऑफ सेल निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ वन सेल। एरिया ऑफ वन सेल का क्या हो जाएगा, ये देखते हैं, 2 × सॉरी क्या होगा, पाई आउटर का एरिया, आउटर का एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर, बड़े बड़ा आर मान लेते हैं और छोटे का पाई और आर स्क्वायर, तो ये सॉल्व करने के बाद पाई आर कॉमन, पाई और ये आर एस पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ये आउटर का एरिया है, आउटर का आर है और ये इनर का आर है, तो इसको यदि हम सॉल्व करते तो पाई और आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर माइनस आर माइनस आर और आर प्लस आर, ये आ जाएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो पाई और ये हो जाएगा पाई और आर माइनस आर, यानी दिया हुआ 2.2 − 2 और 2.2 + 2, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, ये 22/7 और इंटू 0.2 और इंटू 4.2, तो डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 यदि करते हैं तो ये आएगा 6, और ऐसे ऐसे 2 है, तो इसको ये आउटर और इनर भी है, तो यदि हम टोटल इसको एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये आता है 2.64, यानी 264/100 आया, तो ये 64, ऐसे ऐसे 2 चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया कह रहा निकालने के लिए, तो हम निकालते हैं टी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा इनर सी एस एस ए ऑफ इनर और सी एस ए ऑफ आउटर प्लस 2 × एरिया ऑफ सेल, एरिया ऑफ बेस सेल लिख सकते हैं,
तो जब ये आएगा, यहाँ पे आया था, पहला आया था 968, तो 968 प्लस 1064.8 प्लस ये 264 आया था, 2.64, 2.64। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आएगा आंसर आपका 968 प्लस 1064.8 प्लस ये आएगा 5.28। इसको हम जब पूरा सॉल्व करते हैं तो आता है 2038.08, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।